हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तिलक एकेडमी। दोस्तों, आपकी जो एमपी पुलिस एग्ज़ाम है उसके लिए जीके का एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ मैं चला रहा हूँ, जिसमें कि मैं जितनी भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम व्यापम द्वारा या पीईबी द्वारा आयोजित की गई है अभी तक, ये आप नाम देख सकते हैं सभी के, सभी में से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन कलेक्शन करके इस सीरीज़ में हम देख रहे हैं। इसके साथ ही साथ मैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, जहां पर आगे आने वाली परीक्षाओं में क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो आप, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इसे एक शेयर ज़रूर करें। जो भी इस वीडियो को देख रहा है और इसे वीडियो पसंद आती है, तो इसे शेयर ज़रूर करें, ठीक है? बाकी आप लाइक तो कर ही देंगे, मेरी ऐसी आशा है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सांची स्तूप का निर्माण किसने किया था। देखिए, सांची स्तूप का निर्माण जो है वो अशोक ने करवाया था। सांची स्तूप का प्रश्न क्यों पूछा गया है? क्योंकि मध्य प्रदेश में मेनली तीन विश्व धरोहर स्थल हैं, जो कि ये खजुराहो के मंदिर छतरपुर में स्थित है। और कब इसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में सम्मिलित किया गया? तो वो 1986 में। सांची स्तूप अशोक ने बनवाए थे, और 1990 में इसे विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित किया गया। भीम बेटिका 2003 में सम्मिलित किया गया, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि रिसेंटली विश्व विरासत शहर जो है, तो विश्व विरासत शहरों की सूची में एमपी के दो शहर को सम्मिलित किया जा रहा है, वो है ग्वालियर और ओरछा, ठीक है? तो ये करेंट का क्वेश्चन है, दो शहर कौन कौन से हैं एमपी के, तो वो है ग्वालियर और ओरछा। इतनी चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोखरण में पहले नाभिकीय विस्फोट के साथ निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक संबंधित है? पहला नाभिकीय टेस्ट जो किया था अपन ने न्यूक्लियर विस्फोट का पोखरण में, वो 1974 में किया था। और ये जो किया था वो राजा रमन्ना ने किया था, मतलब अल्टीमेटली जो साइंटिस्ट इससे संबंधित थे वो है राजा रमन्ना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो ये है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, इसका सही आंसर होगा। और रिसेंटली दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 में किसे मिला है? तो ये ध्यान रखना है, रजनीकांत को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। ये 2019 का इन्हें मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। तानसेन संगीत समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? ये ग्वालियर में किया जाता है आयोजित। इस बार ग्वालियर के बेहट गांव में तानसेन संगीत समारोह आयोजित किया जाता है हर साल दिसंबर महीने में, है ना, दिसंबर में। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? सही उत्तर होगा तमिलनाडु में ये स्थित है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो ये सतलज नदी पे है, भाखड़ा नागल बांध। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की औसत साक्षरता दर कितनी है? एमपी की औसत साक्षरता दर जो है वो 69.32% है, कहीं कहीं 72 है, लेकिन 69.32 बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल राइट है, ठीक है? यही आपको याद रखना है। जनसंख्या से एमपी से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ज़रा देख लीजिए। लिंगानुपात मध्य प्रदेश का कितना है? तो वो 931 है, 1000 पुरुषों पे 931 महिलाएं। बालाघाट का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, भिंड का लिंगानुपात मध्य प्रदेश में सबसे कम है। एमपी का एरिया पूछ ले तो 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर है। जनसंख्या की अगर देखी जाए तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा शहर एमपी का इंदौर है, सबसे छोटा शहर रिसेंटली बना हुआ निवाड़ी है, ठीक है? इतनी बात हो गई। इसके अलावा साक्षरता दर अगर पूछी जाए सबसे ज़्यादा कहाँ की है, किस जिले की है, तो वो है जबलपुर की। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है वो 236 है। इतनी चीज़ आपको, सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको जनसंख्या से याद रखना ही है। विश्वनाथ आनंद प्रसिद्ध खिलाड़ी है, तो ये जो है शतरंज के प्रसिद्ध खिलाड़ी है इंडिया में। नेक्स्ट देखते हैं। मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा है? तो ये जो है उज्जैन और इंदौर है। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? ये 5 वर्ष का होता है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत भी अपने कार्यकाल को आगे बढ़ा सकते हैं, काम कर सकते हैं। राज्यपाल बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो 35 साल होनी चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 153 में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, और 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। दोनों चीज़ ध्यान रखना है। नियुक्ति जो है राज्यपाल की कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। शब्द ड्यूस किससे संबंधित है? देखिए, शब्द ड्यूस जो है टेनिस से संबंधित है। टेनिस के अलावा बैडमिंटन, बैडमिंटन में भी ड्यूस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, दोनों को ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ जो शब्दावली पूछी गई है। स्लैम का संबंध बॉक्सिंग से है,
ब्रेस्ट स्ट्रोक पूछा गया था, इसका संबंध स्विमिंग से है, स्पाइक का संबंध वॉलीबॉल खेल से है, और बुली का संबंध हॉकी खेल से है, ये आपको ध्यान रखना है। होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये जो स्थापना थी ये एनी बेसेंट ने की थी। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किस ईयर में, सन आपको बताना है, किस ईयर में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पहला गैर अमेरिकी टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर कौन था? इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी, पहले गैर अमेरिकी टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर थे। ग्वालियर में पैदा हुए प्रसिद्ध सरोद वादक कौन थे? इसका सही उत्तर होगा अमजद अली खान, ये कल भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था। पंडित रविशंकर अगर बात की जाए तो ये सितार वादक है, सितार बजाते हैं, ठीक है। पंडित जसराज बांसुरी वादक है, ठीक है। और रविशंकर शुक्ल जो है एमपी के पहले मुख्यमंत्री थे, पहले सीएम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र में शामिल है क्या शामिल है? देखिए, डिस्प्यूट बिटवीन डिफरेंट यूनिट ऑफ इंडियन यूनियन, यानी कि भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच में जो विवाद वगैरह का निपटारा है ये सर्वोच्च न्यायालय करता है, तो इसका सही उत्तर है बी वाला ऑप्शन। रसधानियां तरल से भरी हुई गुहिकाएं हैं, इंग्लिश में पढ़ेंगे ज़्यादा समझ में आएगा। वैक्यूल्स आर कैविटीज फिल्ड विथ अ फ्लूइड कॉल्ड, वैक्यूल्स में जो फ्लूइड भरा रहता है उसे क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। इसका सही उत्तर होगा सेलसेप, वैक्यूल्स के अंदर सेलसेप होता है जिसे हिंदी में कहा जाता है कोशिका रस, ठीक है। स्टार्च प्रोटीन नहीं होता, वसा गोलिकाएं भी नहीं होती, सेलसेप होता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को इनमें से संग्रहित किया जाता है, धातु के पात्र में, नमी रोधी में, रोधी पात्र या शीशे के पात्र? सही उत्तर होगा मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, जब भी प्लास्टर ऑफ पेरिस को रखेंगे तो मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर के अंदर ही हम रखेंगे। एक लोलक जो है, मतलब पेंडुलम जो है, वो 8 सेकेंड में 60 बार दोलन करता है, 60 बार गति करता है, ऐसे ऑसिलेट करता है, ऐसे ऐसे 60 बार, है ना, 8 सेकेंड में। तो इसकी समय अवधि बताना है आपको, टाइम पीरियड बताना है। अब आपको पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड होता क्या है। टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है, वो एक दोलन कितनी देर में करता है। देखो, 8 सेकेंड लगते हैं 60 दोलन करने में, 60 दोलन में कितने लगते हैं, 8 सेकेंड, तो एक दोलन में कितना टाइम लगेगा, तो 8/60, और जब आप 8/60 करेंगे डिवाइड तो आपका आंसर आएगा 1.013 सेकेंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आप 2 2/15 कर लीजिए, और जब 2 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 0.13 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश का अपवर्तन निम्न में से किसके लिए उत्तरदायी है? तो रात में जो हमको तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं ना, वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं, ठीक है। इंद्रधनुष जो है उसमें अपवर्तन भी होता है और स्कैटरिंग भी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, आकाश का नीला जो रंग जो होता है वो स्कैटरिंग के कारण दिखाई देता है, स्कैटरिंग, ठीक है। अब स्कैटरिंग को आप विकिरण बोलते हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा हिंदी में। भारत में तेल के कुएं यहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं भाई, तो असम के अंदर भारत में तेल के कुएं पाए जाते हैं, उड़ीसा कर्नाटक गोवा नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से उत्पादक को चिन्हित करना है, उत्पादक कौन है भाई, तो जो उत्पादक है, प्रोड्यूसर है, वो है कौन, घास, यानी कि हरी घास जिसे आप बोल सकते हैं घास। उस कवक का नाम बताइए जो भंडारित अनाज को, स्टोर फूड को जो क्या कर देता है, प्रभावित करता है। इसका सही उत्तर होगा एस्परगिल्स, ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा एस्परगिल्स, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवजात शिशु निम्न के कारण अपना भार 2 महीने में डबल कर लेगा, किसके कारण? क्योंकि नवजात शिशु की जो कोशिकाएं रहेंगी उसमें कंटिन्यूअसली क्या होती है, वृद्धि होती है शरीर की, तो अल्टीमेटली इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बॉडी सेल, इसकी वजह से ये अपने भार को दुगना कर लेता है 2 महीने में। नेक्स्ट देखते हैं, पौधे के सभी भागों का सबसे बाह्य आवरण निम्न से बना होता है, सबसे बाह्य आवरण जो रहता है ना पौधे का, वो डर्मल टिश्यू से बनता है, यानी कि त्वचीय ऊतक से बना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मृदा की तैयारी करने के उपरांत इस कृषि अभ्यास का अनुसरण किया जाता है। मृदा तैयार हो गई, मिट्टी तैयार हो गई, तो अब क्या करोगे आप, मिट्टी तैयार होगी तो बुआई करेंगे, है ना, जिसका सही उत्तर होगा बुआई। कुछ कुछ क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होते, आप उसको टफ समझ के गलत ना करिए, ठीक है। प्लास्टिक की थैलियों का को हमको ना कहना है, कपड़े के बैग को हाँ कहें, ऐसा क्यों करेंगे? प्लास्टिक की थैलियाँ, ऐसे इंग्लिश में पढ़िए, देखिए, प्लास्टिक आर मेड फ्रॉम वुल पल्प, वुड पल्प, ऐसा तो नहीं है। बायोडिग्रेडेबल, यानी कि आसानी से जो है वो क्षरण उसका पॉसिबल है क्या, ये भी नहीं है।
प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि आसानी से उसका क्षरण पॉसिबल नहीं है, आसानी से वो विघटित नहीं होती। इस वजह से क्या होता है, प्लास्टिक को हम क्या करते हैं, यूज़ नहीं करना है। तो इसका सही ऑप्शन सी वाला ही होगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल है प्लास्टिक इस वजह से। नेक्स्ट देखते हैं, पादप कोशिका में जीव द्रव्य कुंचन को के रूप में परिभाषित किया गया है। पादप कोशिका में जो है श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपर टॉनिक मीडियम, यानी कि अति परासरी माध्यम में कोशिका द्रव्य का संकुचन, इस तरह से इसे परिभाषित किया गया है। तो ये आपका सी वाला ऑप्शन है जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड है क्वेश्चन, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है। देखिए जो लाइव वायर होता है हमेशा उसके अंदर विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है। विद्युत फ्यूज जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है फ्यूज वायर। इसका जो गलनांक होता है बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, उच्च होता है। इसके कारण क्या होता है कि ये ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करता है। इसके लिए बल्ब के अंदर हम इसको फिलामेंट की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे फ्यूज़ पूछा है तो माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर ये जो टंगस्टन का बना होता है ये बल्ब का फिलामेंट बना होता है ना। अगर फिलामेंट पूछे, फिलामेंट बल्ब का किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में पूछा गया था, पिछली स्लाइड में ना। यहाँ पे विद्युत फ्यूज पूछा है, तो फ्यूज जो तार है वो अगर देखें तो हमेशा किसके साथ जोड़ा जाता है ये पूछा गया है। तो ये जो है किसके साथ जोड़ा जाता है, तो ये लाइव वायर के साथ जोड़ेंगे, यानी कि विद्युत में तार के साथ जोड़ा जाएगा, इसका सही उत्तर है। आपसे पूछे बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन के बारे में ये चीज़ें मैंने आपको बताई। ठीक है, और यहाँ पर लेड और टीन का फ्यूज वायर बनता है। ठीक है, आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि मौसम विभाग ने एक दिन भारी तूफान और बिजली पूर्वानुमान किया था। राधा एक छाता लेकर बाहर जाना चाहती थी, लेकिन उसे सलाह दी गई कि वो उस छाते को न ले जाए। ऐसा क्यों किया भाई? बादल से विद्युतमय विसर्जन छाते के धातु वाले भाग तक जा सकता है। हाँ ठीक है, बादल से जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, विद्युत जो होती है, बिजली जो चमकती है, वो उसका जो विसर्जन है छाते के धातु में ही भाग तक जा सकता है। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ना। तो इसलिए उसको सलाह दी गई कि भैया अंदर ही रहो, बाहर मत जाओ। तो ये पर्टिकुलर वीडियो आज का यहीं पे ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। दूसरी बात, अगर वीडियो पसंद आया तो आपको शेयर इसे ज़रूर करना है, लाइक तो आप कर ही देंगे। इसके अलावा अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे नोट्स अवेलेबल है, जिनका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। तो आप अगर कोई भी एग्ज़ाम की एमपी से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, तो एमपी जीके के नोट्स, साइंस के नोट्स, ठीक है, इसके अलावा एमपी करंट अफेयर के नोट्स, इंग्लिश के नोट्स, ये सारे नोट्स जो पेड नोट्स हैं ये अवेलेबल हैं, जिनका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप कॉन्साइज कंटेंट पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।